Hello everyone, hope you find doing great in your life. My name is Rao Adilaswam, you are watching Talk with Rao. हमने सिलसिला शुरू किया है वीडियोस का, हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स और लाइक्स और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही है और बहुत ज्यादा हमें कहा जा रहा है कि ये वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए और हमें कुछ टेक्निक्स जो कि माइंड साइंस से रिलेटेड है बताई जाए, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद होते हैं वो मिस्टर राव मोहम्मद असलम साहब हैं और माइंड साइंसेज के ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि उनके पास जो कि हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्यों ना हम लोगों तक ये बातें और ये सारा कुछ टेक्निक्स वगैरह पहुंचाई जाए। तो हमने इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो टेक्निक जिसके लिए सबसे ज्यादा हमें कहा गया था वो था कि एक है कॉइन बॉक्स टेक्निक, क्योंकि होता ही है कि लोगों के पास जो है वसाइल कम यानी कि पैसे कम है और उनके जो जहां पे उन्होंने स्पेंडिंग करनी है उनके पास जो ख्वाहिशात हैं वो ज्यादा हैं, डिजायर्स ज्यादा हैं जहां पे वो पैसे खर्च किए जाएं, तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि उसको बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक जो है वो लाई जाए सामने और माइंड साइंस से रिलेटेड हो, लोगों के दरमियान और लोग उसे यूटिलाइज करें और फायदा उठा सके। सो हमने फिर दोबारा हमने मुलाकात किया है मिस्टर राव मोहम्मद असलम साहब को और लेट्स हैव सम टॉक विद हिम और बताएंगे वो हम पता करते हैं कि कैसे होती है और इसका तरीकाकार क्या होता है। थैंक यू वेरी मच आदिल, ये बहुत ही आज हमारा अहम मौजू है, हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी बहुत से अच्छे मौजूद पे हमने बात की है, तो इंशाल्लाह एक नया जो आपने शुरू किया है जो सीरियल है इसके अंदर हम इंशाल्लाह जो माइंड साइंसेस की जो टेक्निक्स हैं वो हम लेके चलेंगे और उसमें बेशुमार टेक्निक्स हैं, हजारों की तादाद में टेक्निक्स हैं, तो हम चाहेंगे वो कि उनसे लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हो सके। तो उसमें जो आज हम जिससे जो बताना चाहेंगे वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो मनी माइंड की टेक्निक है बेसिकली, ये कि इसके जरिए से हम किस तरह से मनी बॉक्स बना सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको हम बनाने का तरतीब बताते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, इसका पहले बताइए कि ओरिजिन क्या है। असल में अब तो इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो माइंड है जब हम थॉट करते हैं, जो डिजायर करते हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे है कि इंसान जो है हर लम्हे जो है कोई ना कोई डिजायर करता रहता है। फर्ज करें कि हमारी कोई भी डिजायर है हम उसको फुलफिलमेंट की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, जो माइंड है हमारा वो ख्याल पैदा करता रहता है और हमारे माइंड के अंदर जो ख्याल कोई भी है वो 3 से 13 सेकंड तक रहता है, उसके बाद एक नया ख्याल आ जाता है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो हमारी डिजायर है कोई भी डिजायर है, फर्ज करें हम कहते हैं मैंने CSS करना है या आपने जुडिशरी में कुछ भी करना है नया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ये जो दुनिया की बहुत बड़ी टेक्निक है जो मनी माइंड की टेक्निक है या जो जो बाउल मैजिक बाउल भी से कहते हैं, ये जो टेक्निक है ये दुनिया की बहुत बड़ी टेक्निक है। तो ये बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो तो इसका है वो मिस्र है, जो हराम मिस्र है जो वहां पे ब्रिक्स है उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। तो अब कुछ लोगों ने उसको डीकोड किया, डीकोड करने के बाद पता चला कि ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे वो पैसा कमाना कैसे करते थे, तो बेसिकली वो जो वहां लिखी हुई चीजें थी उसी को आज डिकोड किया गया और उसके बाद इसको उन्होंने इस पे काम किया हुआ। तो सबसे पहले मैं बताया कि करना कैसे है, हाउ टू मेक दिस, उसका आसान सा तरीका है कि आप बाजार में जाएं और एक तो बहुत अच्छा सा ऐसा बॉल खरीद लें और ये क्रिस्टल होना चाहिए। अहम चीज ये है कि ये क्रिस्टल होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी हम रखेंगे, हम कहीं पे भी इसको रखें तो उसके बाद हमें ये नजर आना चाहिए। और दूसरा, इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे तमाम फैमिली जो है वो कोई ऐसा लिविंग रूम आपका हो जहां पे आप इसको रोजाना की बुनियाद पे देखें इसको। और इसका सबसे अहम जगह ये है कि जहां पे भी इसको रखें वहां पे ये जो बाउल है आपका है ये अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप पे इसकी नजर जानी चाहिए और जैसे रात को सोने के लिए आप अपने कमरे में जाते हैं तो इस पे आपकी नजर पड़नी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका जो माइंड है वो स्लो मोड में होता है और वो अल्फा मोड पे होता है, तो इसलिए जितना ही ज्यादा असर करेगा इसके ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम कॉन्शियस माइंड पे होते हैं तो बेसिकली जो हमारा माइंड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वो बीटा पे चले जाता है। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप इसको उस पे, ठीक है जी, उसका आसान सा तरीका है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने इस बाउल को इस तरह से अपने हाथों में लेना है और आंखें बंद करके अपनी कोई भी डिजायर आपकी जो है आप उस अपनी डिजायर को अपने माइंड में लेके आए, आंखें बंद करें और उसका आप डिजायर को तसव्वुर करें और उसके बाद आपने इसको रख देना है, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका डिजायर जो आपका जो बाउल है ये एसोसिएट हो गया आपके माइंड से आपकी डिजायर के साथ। तो उसके बाद आपने एक मैग्नेट लेना है, बाजार से मिल जाते हैं आराम से मैग्नेट,
तो आपने ये मैग्नेट लेने हैं, दो ले ले, तीन ले ले, चार ले ले, जितने भी लेना चाहें आप, कितना भी बड़ा लेना चाहे मैग्नेट, इसमें यह है कि बड़े से बड़ा मैग्नेट होना चाहिए। आप इसको इसके अंदर रखते हैं और अब क्या करना है, अब वो जो भी आपकी डिजायर है, फर्ज करें आपने कोई डिजायर लिखी, ये आपने जो आपकी डिजायर है, जैसे आपने पीएचडी करनी है, तो इसके ऊपर आप लिख लें, आप इसके अंदर रख के इसके ऊपर आप इसके मैग्नेट रख देना। अच्छा, फर्ज करें कि आप कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, तो आपको कितने पैसों की जरूरत है, तो आपने सबसे पहले वो जितने भी पैसों की आपको जरूरत है, आपने कोई भी एक नोट ले लें और उसके ऊपर लिखते हैं, मतलब आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए चाहते हैं, जितना भी आप चाहते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितना भी आप चाहते हैं, तो आप उसको लिख के और उसके बाद आप उसको या उस मुल्क का जो करेंसी है वो रखते हैं, या जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उसकी कोई तस्वीर है वो रखते हैं, या वो फैमिली जहां पे कोई रिश्तों का प्रॉब्लम है बेटी के लिए बेटे के लिए, तो आप रिश्तों वो बच्ची की जो तस्वीर है या किसी बच्चे की तस्वीर है या किसी कपल की तस्वीर है वो भी आप वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद आप रोजाना जब बाहर जाते हैं कोई चीज परचेज करने के लिए लेने के लिए, तो सबसे अहम चीज है कि वहां से जब छुट्टा मिलता है ये आप चेंज होते हैं, तो आप जितने भी वापस आते हैं तो आप उसके चेंज इसके ऊपर रखते जाए, और इसी तरह से आप रोजाना की बुनियाद पर जितने भी आपके पास पैसे आते हैं आप इनको रखते जाए, इसके अंदर आप इसको इस तरह से भरते जाए। और अगर लेक्चर ये फिल होता जा रहा है जी, तो इसका क्या तरीका है, ये फिल हो गया इसको? हाँ, जब ये फिल हो गया है तो इसके ऊपर जितने भी होंगे इसको आपने जो है किसी भी जगह पे चैरिटी कर देनी है, आपने डोनेट कर देने हैं। क्या सारे कर देने? नहीं सारे नहीं, आपने जो इससे ऊपर होंगे, ये बाउल के ऊपर जो होंगे उनको आप कर सकते हैं, करने को तो आप सारे भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये है सबसे बेहतरीन कि आप उनको करें जो इस बाउल से ऊपर हो। इफ आई हैव नंबर ऑफ डिजायर्स, यानी नंबर ऑफ डिजायर्स है एक ही वक्त में, तो क्या उसके लिए अलग बॉक्स बनाना जरूरी है? नहीं, आप अपनी फैमिली के लिए एक भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे हर आदमी का अपने घर फैमिली के अंदर अलग अलग हो, तो अजीब सा लगेगा, घर के अंदर बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए या बहुत सारे बाउल्स पड़े हुए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली को एक ही जगह। दूसरा है कि जब आप सब लोग एक ही एक जगह पे करेंगे तो उसका जो जो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा काम करेगा, और जिससे वो जो आपकी डिजायर है वो जल्दी ही फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली राइट। असल में तो इसको समझने के लिए हमें ये चाहिए कि जो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या काम कैसे करता है, क्योंकि ये अब बहुत बड़ी साइंस का पता चला है लोगों को कि जब हम कोई भी डिजायर करते हैं माइंड के अंदर, तो ये जो कायनात है पूरी की पूरी वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इंसान को अल्लाह ताला ने दो दो अकल दी हुई है, जो हमारी जो जो लॉजिकल अकल है वो दो है, एक हमारी लॉजिकल अकल है जो हमारी बॉडी के साथ और इस कायनात के साथ डील करती है, और उसको बुरहान कहते हैं, अकले बुरहान, और दूसरी है अकले नूरानी जो अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला के साथ हमें अटैच करती है। तो बेसिकली ये दोनों ही अकलें, दो जो जो चीजें हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर काम करती हैं, कि जैसे ही हम किसी चीज का तसव्वुर करते हैं तो पूरी कायनात, यानी उसका जर्रा जर्रा और कायनात का पूरे मॉलिक्यूल्स वो इंसान की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमारी डिजायर ही नहीं है, देखिए आप कुछ लोगों जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं उनकी कोई डिजायर नहीं होती, जैसे ही डिजायर नहीं होती, या वो लोग जो जो आपने देखा होगा पहाड़ों की जिंदगी गुजारते हैं या मामूली जिंदगी गुजारते हैं, बेसिकली उनके पास डिजायर नहीं होती। ना डिजायर होने की वजह से क्या होता है कि वो उसको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाते ही नहीं है, उनकी डिजायर पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी डिजायर है ही नहीं। तो जिन लोगों की भी डिजायर होती है, कुदरत ने उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो हर सूरत में, कुदरत जो है, जो उसकी जो उसके जो फिनोमेनल यूनिवर्स के हैं वो उसको पूरा करते हैं। व्यूअर्स, अगर तो आपके पास यू हैव लो बजट, और अगर आपने बजट बढ़ाना है या अपनी सारी ख्वाहिशात को डिजायर्स को पूरा करना है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ डिजायर, आपके पास एक डिजायर होनी चाहिए, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए टेक्निक बहुत अच्छी है जिसे कॉइन बॉक्स टेक्निक या मनी माइंड टेक्निक भी कहा जाता है। तो हमारे बल्कि हम अक्सर मैं ये करता हूँ कि एक्सपीरियंस जो हमारे घर का एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे लाते हैं एक्सपीरियंस होता है वो, तो एक्सपीरियंस ये है कि हमारा, हमने तकरीबन ये कोई 8 से 9 साल हो गए हैं, कोई ये हमारा एक तरीका का हम सिलसिला हम रखते हैं, और हमारा ऑलमोस्ट ये फिल ही रहता है, और जब भी फिल हो जाता है वो पुट इट इन द कार, और जब भी हम कहीं पे हमने किसी को दिन होता है वहां पे ले लेते हैं। सो यू मस्ट ऑल ट्राई दिस। मैं एक चीज आपसे आदित्य शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने इसको सीखा था, इस टेक्निक को, और ये टेक्निक सिखा तो दी जाती है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसके पीछे गुर क्या है।
तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये बेसिकली इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, और ये हमारे पास जो है ये पिरामिड जो टेक्निक है ये इससे आई हुई टेक्निक है। और दूसरा, इससे हासिल करने के लिए क्या हमारा बिलीव होना जरूरी है? यस, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बिलीव ही नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं इसने तो होना नहीं है, तो फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी है, वो जो कायनात को कॉस्मिक एनर्जी आप दे रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो आपने जब भी इसको बनाना है, एक काम जरूर करना है कि आपका इसके ऊपर बिलीव होना जरूरी है कि हाँ इससे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उस वक्त होती है जब आपका बिलीव हो, और ये आप इससे जो हासिल होता है, क्योंकि बिलीव ही उस वक्त बनते हैं आपके, बिलीव जो होते हैं ना उसकी खूबी होती है कि ये बनते ही उस वक्त हैं जब आपका एक बिलीव, एक जो है कोई भी काम आपने किया, फर्ज करें आप बड़ी, इसके लिए बड़ी अच्छी मिसाल दी है उसे सिल्वा ने, वो कहता है कि आपने 6 गेंदे उछाली हैं, अगर 5 आपके हाथ में आ गई हैं तो आपका बिलीव 5 पे होगा, अगर एक भी आपके हाथ में नहीं आई तो आपका बिलीव डेवलप हो जाएगा, वो आपका जो शेक हो जाएगा बिलीव। तो बिलीव ये है कि जैसे ही आपका एक डिजायर पूरा हो तो आपने दूसरी डिजायर के लिए, तीसरी डिजायर के लिए, चौथी डिजायर के लिए काम करना है, और जैसे जैसे आपकी डिजायर पूरी होती चली जाए तो आपने कोशिश करनी है कि अगली डिजायर जो आपकी है, क्योंकि इंसान को मेरे नजदीक ये है कि कहीं पर रुकना नहीं चाहिए बल्कि वो आगे बढ़ते रहना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ बिलीव, उसके बाद आपकी डिजायर हो, डिजायर के बाद आप जो है इस टेक्निक को अपनाएं, और बेहतरीन तरीका है। सो एट द लास्ट वी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत अच्छी टेक्निक हमारे सामने रखी है, और उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स जो हैं इसको करेंगे, और कोई भी अगर आपका कमेंट है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो काइंडली इसके नीचे करें ताकि हम एक क्वेश्चन आंसर्स का भी एक सेशन रखा करें, ताकि उसमें कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम इसके अंदर रखें राव साहब सामने और वो हमें जवाब दें। तो सो काइंडली गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, थैंक यू सो मच, और काइंडली इसको शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हो सकता है आपकी भी नीड ना हो, किसी और की जरूरत आपकी फैमिली में, फैमिली में किसी की, कायनात पूरी आपकी फैमिली है। बिल्कुल, तो आप जरूर इसे शेयर करें लोगों के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉक विद रॉ। थैंक यू।